हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रियल फैक्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि PDF सेट को लेकर प्रॉब्लम चल रहा था, उस पर जो है बहुत बड़ी सॉल्यूशन आ गई है। दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से EPDS का नया सेट रिलीज हो गया है, जिसमें जाकर आप अपने राशन कार्ड नंबर से अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हम YouTube चला रहे थे तो हमारे सामने एक वीडियो रैंकिंग में आया, जिसमें कि बताया जा रहा था कि नया सेट रिलीज हो गया है, जिसमें जाकर के आप अपने राशन कार्ड में आधार नंबर लिंक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जब हमने वो वीडियो को देखा तो हमें पता चला, उस वीडियो में बताया जा रहा है कि कैसे आप जोड़ सकते हैं इस साइट पर। दोस्तों, ये साइट जो था ये भारत सरकार की साइट थी, ये बिहार सरकार की साइट नहीं थी। तो दोस्तों, जब हमने उसे देखा तो पता चल गया कि इसमें कैसे करना है। तो दोस्तों, चलिए आपको लेके चलते हैं पहले साइट पर और दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। उसके बाद आपका जो भी ब्राउज़र होगा उसको ऑन करेंगे। तो चलिए सिंपली हम लोग अपने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों, यदि ये काम आप लोग अपने मोबाइल पे कर रहे हैं तो यहाँ ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, नीचे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन जो है उसको ऑन कर लेंगे। दोस्तों, इसके बाद आपको लेके चलते हैं पुराने वेबसाइट पर, जिसका वेबसाइट था epds.bihar.gov.in। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोनों वेबसाइट का आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले हम लोग क्लिक करते थे COVID-19 सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आधार और मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए क्लिक करें। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, ये साइट जो है कुछ दिन से काम नहीं कर रहा है। ये लगभग 5-6 दिन से काम नहीं कर रहा है। पहले ये रात में 12 बजे काम करता था, लेकिन अब ये काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, जैसा कि ये ओपन नहीं हो रहा। इसके बाद दोस्तों, एक नया साइट है, उसको आप लोग यहाँ पर एंटर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे pdsportal.nic.in, ये है इसका ऑफिशियल साइट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर दोस्तों, सिंपली हम लोग यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट पोर्टल इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए जो भी स्टेट होगा ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली बिहार पे यदि क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए फिर नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, श्री मदन सहनी माननीय मंत्री खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग, और यहाँ पे हमारे CM नीतीश कुमार है। और ये वाला साइट देखिए अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इसमें आप लोग नीचे यहाँ देख सकते हैं, सेटिस्फाई फीचर ऑफ द EPDS प्रोजेक्ट आर गिवन बिलो। इसमें क्या क्या काम होगा वो नीचे लिखा हुआ, आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पे बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन है, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो है कुछ देखिए, यहाँ पे बिहार राज्य खाद्य एवं अशिक्षण आपूर्ति निगम, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार, ये बिहार सरकार की पोर्टल है। इस पर हम लोग सर्विसेज पे जाएंगे तो देखिए बहुत सारा हमारे सामने ऑप्शन आएगा, डाउनलोड इज चलान, एपी स्वाप बैच। तो इस पर हम लोग सिंपली यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड योर मोबाइल, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हमारे सामने देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, इसमें डिस्ट्रिक्ट, इसमें ब्लॉक, इसमें एपी शॉप। मतलब दोस्तों, यहाँ पे हो गया आपका राशन जो देता है उसका नाम। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर नंबर है, अपना नंबर यहाँ पे मोबाइल नंबर देके इसको चेक करके रजिस्टर कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए नोट में लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर रजिस्टर विद द पोर्टल विल रिसीव द ग्रेडियंट डिस्पैच स्टेटस फॉर द सेलेक्टेड एपी शॉप। इसमें दोस्तों सिंपली चलिए यहाँ पे हम लोग कोई अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली यहाँ पे मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ब्लॉक, इसके अंतर जो भी होगा वो ब्लॉक देखिए सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बांद्रा ब्लॉक पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद एपी शॉप जो है उसमें आपके एरिया का जो भी डीलर होगा सबका नाम रहेगा। किसी पे आप लोग क्लिक करके यहाँ पे अपना नाम मोबाइल नंबर देकर रजिस्टर कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, इसमें और कुछ डिटेल आपको बताएंगे कैसे इसमें आपको मिलेगा 1000 रुपया। एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, ये साइट जो है, ये साइट उन लोगों के लिए है जो कि बाहर से आए हुए हैं और जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। तो इस साइट में यदि आप उसको लिंक करते हैं तो आपको बिना राशन कार्ड का ही मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसी के बारे में उस साइट में है। दोस्तों, इस साइट में आप अपने राशन कार्ड में आधार नंबर लिंक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये पूरा फेक बताया जा रहा है यूट्यूब पर। तो दोस्तों, आप लोग किसी ऐसे वीडियो पर विश्वास मत कीजिएगा। दोस्तों, जैसे ही कोई नया साइट रिलीज होगा तो हम आपको बता देंगे कि साइट रिलीज हो गया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, अभी ये PDS का साइट ओपन नहीं हो रहा है, तो दोस्तों इसको करने के लिए आपको अपने डीलर के पास जाकर ही आधार नंबर को राशन कार्ड से लिंक करवाना होगा। दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगे आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रियल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।